नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्लेस ऑर्डर। ठीक है, प्लेस ऑर्डर तो हमने क्रिएट करा था, अब ऑर्डर आइटम्स को हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना होगा कि ऑर्डर आइटम्स नाम का एक टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स भेज के उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक फॉर लूप, जैसे कि कार्ट आइटम्स के लिए, ये जो कार्ट आइटम्स है यहाँ पे, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको फॉर में डालना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर सिंपली और आइटम। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या करना है, रेंज दे देते हैं, रेंज ऑफ कार्ट आइटम्स। ठीक है, डन। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ऑर्डर आइटम का स्ट्रक्ट बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल में हमें उसको यूज करना है इसके लिए। तो मॉडल्स में आते हैं सिंपली, और यहाँ पे हम एक टाइप करते हैं टाइप ऑर्डर आइटम और डर आइटम, सिंपल। और दे देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट, सॉरी, और दे देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्ट सिंपली। ठीक है, और इसे इस तरीके से हम लिख देते हैं। ओके, डन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आईडी चाहिए प्रोडक्ट। चलो ठीक है, धीरे धीरे लिखते हैं। आईडी हमें चाहिए एज अ यू आई यू इनिट। ठीक है, इसे हम ग्रॉम में लिखते हैं, ग्रॉम, और इसे दे देते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऑर्डर आईडी और डर आईडी, सिंपल। ठीक है, इसे भी यू यूनिट दे देते हैं। ओके, नाउ इसे देते हैं गॉड, और सिंपली इस तरीके से इसे लिखते हैं हम, नॉट नल, नॉट नल। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चाहिए हमें, तो हम लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इसी भी यू यूनिट में डाल देते हैं, यू यूनिट ग्रॉम, और ये भी नॉट नल होगा, सिंपल। तो इसे मैं देता हूं नॉट नल, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हम क्या चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर एंड प्रोडक्ट। तो यहां पे लेते हो क्वांटिटी, क्वांटिटी इसे भी दे देता हूं मैं क्वांटिटी को इनिट, इनिट, ओ सॉरी, इनिट, इस तरीके से। और इसे ग्राम में डालते हैं, ग्राम, इसका आएगा नॉट नल, नॉट नल, सिंपल। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, यहाँ पे प्राइस, प्राइस लिखता हूँ मैं इसको, और प्राइस भी इनिट में आएगा, इनिट, और सिंपली इसको डालते हैं गॉन, और इसको हम दे देते हैं नॉट नल अगेन। ओके, ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट हमें चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर हम कहाँ से लेंगे, ऑर्डर वाली स्ट्रक्चर से। तो ये ऑर्डर वाला स्ट्रक्चर हम पूरा का पूरा यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और इसको हम लेते हैं प्रोडक्ट, सिंपल। ठीक है ना, तो ये आ गया यहां से। ओके, डन, ऑलमोस्ट हमारा फीचर्स सारे डन है, यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कि इसमें हमें जो जो चाहिए, रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ हम ले लेंगे ऑर्डर आइटम में। तो एक ऑर्डर आइटम का वेरिएबल बना लेंगे, ऑर्डर आइटम। ठीक है, और इस ऑर्डर आइटम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे कि क्रिएट करने के लिए, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल लिखते हैं यहाँ पे मॉडल डॉट ऑर्डर आइटम। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो जो चीजें चाहिए हमें, क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, क्वांटिटी एंड प्राइस, बस इतना ही चार चीजें हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी का हम नहीं ले रहे फिलहाल के लिए। ठीक है ना, डेट क्या नहीं ले रहे, ऑर्डर नहीं ले रहे और प्रोडक्ट नहीं ले रहे, हम चार ही चीजें ले रहे। तो यहाँ लेता हूं मैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी इज ऑर्डर आईडी। नेक्स्ट हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इज आइटम, प्रोडक्ट आईडी। नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे सिंपली क्या, आइटम क्वांटिटी, ये यहां से यहाँ पे। ओके, और लास्ट में प्राइस,
ठीक है, प्राइस के लिए ले रहे हैं आइटम प्राइस, सिंपल। तो ये वन बाय वन इंसर्ट होना चालू हो जाएगा। ओके, अब एरर को हम हैंडल कर लेते हैं। यहां पे हम दे देते हैं इफ एरर इज इक्वल टू, मतलब क्रिएट करना है हमें, क्रिएट करने की एक क्वेरी है यहां पे, मॉडल्स डॉट डीबी डॉट क्रिएट, सिंपल। ठीक है, अब इसने क्रिएट लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं, इसको एड्रेस और ऑर्डर आइटम, ठीक है, डॉट एरर्स एरर एंड सिंपल यहां पे कॉमा देके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सेमी कॉलन देके इस तरीके से लिख सकते हैं, एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है। तो सिंपल क्या करना कि फेल टू क्रिएट ऑर्डर आइटम करना, ठीक है। यहां पे लेता हूं सी डॉट जेसन और इसमें हम दे देते हैं एचटीटीपी डॉट स्टेटस सर्वर इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। एंड यहां पे दे देते हैं गिन डॉट एच इस तरीके से और सिंपली यहां पे लिखेंगे एरर एंड यहां पे दे देते हैं एरर नहीं, यहां पर हमें क्या देना था, सॉरी मैं भूल गया, कि फेल टू क्रिएट ऑर्डर आइटम, फेल टू क्रिएट ऑर्डर आइटम, सिंपल सिंपल। और इसको करते हैं हम रिटर्न यहां पर, रिटर्न। ओके डन, इतना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, सिंपली इफ के बाद देखिए ये हमने दे दिया यहाँ पे इफ क्लोज हो गया, फॉर क्लोज हो गया। अब हम क्या करना है, क्लियर करना है कार्ट, क्योंकि कार्ट में वही वैल्यूज रखेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम भी ऑर्डर देने जाएगा तो भी कार्ट में वैल्यूज होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कार्ट को क्लियर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्लियर द कार्ट, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं कि डिलीट का हम यूज करेंगे मेथड और डिलीट कर देंगे कार्ट में से। तो यहां पर लिखते हैं इफ एरर इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट डीबी एंड डॉट वेयर, इस वेयर में हम डालेंगे यूजर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओ ये सॉरी इसे इसके अंदर डालना है, या एंड यहां पर देते हैं यूजर आईडी इस तरीके से और डॉट डिलीट, सिंपल, ठीक है। इस डिलीट में हम क्या देंगे, डॉलर एड्रेस मॉडल मॉडल्स क्या चाहिए हमें, मॉडल्स डॉट कार्ट, डन। तो ये कार्ट में से डिलीट कर देगा जितना उसको मिलेगा यूजर आईडी के अगेंस्ट डेटा, ठीक है, और यहां पे एरर लिख देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे तो आपको पता है हमें क्या लिखना है, एरर इज नॉट इक्वल टू नील है सिंपली, ठीक है, अगर नहीं है तो फेल टू क्रिएट कार्ट लिख देंगे। तो यहां पर लेते हैं जेसन सी डॉट जेसन और इसमें देते हैं एचटीटीपी डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर और सिंपली कॉमा देके यहां पे लिखेंगे हम गिन डॉट एच और एरर और यहां पे सिंपली हम लिखेंगे कि फेल टू क्लियर कार्ड, सिंपल, दैट्स ऑल। इतना लिख के हम क्या करेंगे यहां पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है, डन। अभी हम क्या करना है, हमें इसको रिडायरेक्ट करना है, मतलब जो अभी तक हमने क्या करा था, सिर्फ इसको प्रिंट करा था, इसको HTML में डाला नहीं है। तो इसको HTML में डालने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपल सी डॉट HTML, ठीक है, और यहाँ पे रहता है HTTP डॉट स्टेटस, ओके स्टेटस, ओके, एंड सिंपली यहाँ पे दे देंगे सेकेंड आर्गुमेंट एज अ रिसिप्ट डॉट HTML, receipt.html and थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा gin.h मैसेज के लिए। तो इसके अंदर चला जाएगा क्या कि
इसके अंदर दो चीजें हम पास करेंगे, एक है ऑर्डर और डर, ठीक है, और यहां पे आएगा ऑर्डर। सेकेंड चीज हम पास करते हैं कि कार्ट आइटम, तो यहां पे देते हैं कार्ट आइटम, ठीक है, डन। और यहां पे सिंपली कार्ट आइटम्स, डन। इतना करके हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। ओके, वेल डन। अब हम आते हैं यहां पे रिसीव डॉट एच टी एम एल को लिखते हैं यहां पे हम सिंपली। तो यहां पे ये सबसे पहले ये ऑर्डर क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें टोटल चाहिए था, इसके वजह से मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं ये वाला, ये इसका हमें टोटल चाहिए था, ये टोटल हमें चाहिए, इसके लिए मैंने ऑर्डर वहां पे लिया हुआ है, ठीक है, डन। अब आते हैं एच टी एम एल में, यहां पे हम क्रिएट करेंगे डॉट एच टी एम एल को सिंपली। कोड हम इसका ही कॉपी कर लेते हैं कार्ट का। मैं क्या करता हूँ, कार्ट का पूरा कोड यहाँ से लेता हूँ और रिसिप्ट में जाके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके डन, इस तरीके से। इसमें से मुझे ये चीज नहीं चाहिए होगी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ, कि जैसे कि नेओबेयर में सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। हाँ, यहाँ पे टेबल से पहले हमें क्या क्या चाहिए, देखिए हमें थैंक यू का मैसेज देना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एच वन लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर रिसीव और डर रिसीव सिंपल। और सेकंड यहाँ पे आएगा, आएंगे और लिखेंगे पी, और सिंपली इसके अंदर देंगे थैंक यू क्यू फॉर योर ऑर्डर सिंपल, दैट्स ऑल। इतना लिखेंगे तो ये सुंदर दिखना चालू हो जाएगा। और ऑर्डर समरी नीचे दे देते हैं H2 में, H2 लिखते हैं और ऑर्डर समरी सिंपल, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंदर ये टेबल और ये सब सही है, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम हम दे देते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड हम दे देते हैं क्वांटिटी, हालांकि तो ये इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, कट एच, ठीक है, क्वांटिटी आ गई, सेकेंड प्राइस आ गया, और थर्ड में आएगा टोटल, सिंपल, बस इतना सही चेंज था अपना। और सिंपली ये कार्ड आइटम्स तो सही है, यही है कि हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, हमने वही भेजा है क्या, या फिर इसको कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखिए कैपिटल आई था मेरा, ठीक है, डन। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी सही है, मुझे चाहिए होगा प्राइस, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से, और डॉट क्या चाहिए मुझे, डॉट प्राइस सिंपल, तो मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया। ओके वेल डन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, और एक टी आर मुझे चाहिए ओपन क्लोज करके टोटल दिखाने के लिए, तो यहाँ पे लेता हूँ टी आर सिंपली, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, दो चीजें डालता हूँ यहाँ पे, एक टी डी टोटल के लिए और एक टोटल दिखने के लिए, तो यहाँ पे लेते हैं टी डी, एंड इसमें देखते हैं कॉल स्पैन दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉल स्पैन एज अ थ्री, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं टोटल इस तरीके से सिंपली, इंटर टी डी, और यहाँ पे हम सिंपली क्या देते हैं, डॉलर देते हैं, मतलब कितना अमाउंट हो गया ये पता चलेगा, और सिंपली इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्डर जो लिखा था हमने उसको लेता हूँ, डॉट ऑर्डर डॉट टोटल, दैट्स ऑल। इतना लिख के अपना ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे रन करके हम देखते हैं, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस तरीके से, गो रन मेन डॉट गो एंड एंटर, हालांकि मैंने कोड को भी पुश करा था, इसके वजह से वो वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैं आता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट में, रिफ्रेश करना है मुझे, इसको बैक जाते हैं, रिफ्रेश किया, प्लेस ऑर्डर किया, फेल टू ऑर्डर आइटम, ओके, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे कि सारे टेबल्स है क्या, अच्छा एक टेबल मिसिंग है, मिसिंग क्यों है, क्योंकि हमने वो डाला नहीं वहाँ पे, तो एक काम करता हूँ, कोड में जाते हैं, मॉडल्स में,
ऑर्डर आइटम को कॉपी करता हूँ मैं इसे, और सिंपली सेटअप में आके यहाँ पे इस तरीके से हम लिखते हैं इसे, ठीक है, ये ऑटोमाइग्रेट हो जाएगा। तो इसे करता हूँ मैं कट, अगेन रन, सिंपली कोड में जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश किया यहाँ पे आ गया, देखिए ऑर्डर आइटम, ठीक है, डन, वेल डन। तो इसे मैं करता हूँ प्लेस ऑर्डर, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे हमारा प्लेस ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड आया यहाँ पे, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर आया, ऑर्डर समरी भी आया, प्रोडक्ट वन है, इसको नेम चाहिए, यहाँ पे नेम करता हूँ, क्वांटिटी एंड प्राइस, ये देखिए इस तरीके से है ना। और इसमें भी हम चेक करेंगे तो ये देखिए ऑर्डर आइटम में वैल्यू वन आ चुकी है, ओके डन। एंड यहाँ पे कार्ड्स में सिर्फ जीरो आया हुआ है, तो ये सही चला अपना। बस अभी हमें क्या क्या चेक करना है कि क्वांटिटी में वन आना चाहिए और प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मैं आता हूँ इस जगह पे, इसका इशू क्या है चेक करते हैं यहाँ पे। तो हमने सारा कुछ सही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम ओके, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आईडी, यूजर आईडी, प्रोडक्ट नेम, अच्छा ये यहाँ पे गलती हुई है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम आते हैं मॉडल्स में, सिंपली इसको प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ मैं इस तरीके से, और यहाँ पे देते हैं एज ए स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। हालांकि ये होगा पी कैपिटल एंड ये होगा एन, ठीक है, डन, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये प्रोडक्ट नेम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब चेक करते हैं हम प्रोजेक्ट, इसको करता हूँ क्लोज रन एंड आ जाते हैं ब्राउजर में, सिंपली बैक चला जाता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश, एड टू कार्ड, पे इन, प्लेस ऑर्डर, ओ और एक एरर आ गई है यहाँ पे, क्या बोल रहा है ये, रिसिप्ट में, ओके रिसिप्ट में हमने चेंज नहीं करा, यहाँ पे वैसे की वैसे ही है, प्रोडक्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, डन। और इसको करता हूँ मैं कमेंट, ओके नाउ ग्रेट टू सी, या अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश किया, अगेन ऐड टू कार्ड, पेन, या ये देखिए पेन यहाँ पे दिख रहा है, क्वांटिटी वन है, 10 है, और ये हाँ, हालांकि ये चीज मैंने आपको बोला था कि इसको मैं लिख दूंगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पे अच्छे से दिखे, इसके वजह से। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना है क्या कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि क्वांटिटी को और प्राइस को ये इंटू करके आंसर देगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको इस तरीके से, इसे कट करता हूँ फिलहाल, ठीक है, और ये नया तरीका है मैं जो आपको समझा रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिखते हैं, एम यू, ठीक है, एम यू एल मैंने फंक्शन दिया क्योंकि मल्टीपल के लिए, और सिंपली इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, सेटअप में आता हूँ, नहीं राउट्स में आता हूँ, सॉरी राउट्स में, और हालांकि राउट्स में ये चलेगा क्या, एक सेकेंड में मेनू में देखो, ओके यहाँ पे, ठीक है डन, यहाँ पे चलेगा ये, इसको लिखते हैं इस तरीके से, आर डॉट सेट फंक मैप, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं टेम्पलेट मैप फंक इस तरीके से, और इसमें हम लेंगे जो हमने दिया था एम यू एल एंड फंक्शन का नाम एम यू एल, तो ये जाएगा और कॉल होगा ये फंक्शन। अब ये क्या बता रहा है कि फंक्शन हमने असाइन नहीं करा, तो हम क्या करते हैं इसको असाइन कर लेते हैं, आते हैं यहाँ पे लिखते हैं फंक एम यू एल, और सिंपली इसके अंदर हम देते हैं इस तरीके से, एरर हट चुकी है ये देखिए, ठीक है। अब हम क्या क्या ले रहे हैं, दो इंटीजर लेंगे ए कॉमा बी, मतलब एक क्वांटिटी और एक प्राइस, और रिटर्न कर देंगे इंटीजर को, तो ये आंसर देना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंट सिंपली, ठीक है, और रिटर्न करते हैं रिटर्न, हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी कर लिया, ठीक है इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, इससे हम ये अचीव कर पाएंगे ये रिसिप्ट वाला काम, ओके। तो सिमिलर इसको मैं कॉपी करता हूँ, और सेम चीज हमें
इसमें भी लगेगी कार्ट में, ये देखिए ये आता, तो इसको मैं करता हूँ रिप्लेस। ओके डन, तो ये अच्छे दिखना चलोगे, हालांकि अच्छा होगा यहाँ पे आया तो यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और btn, btn और देते हैं प्राइमरी, सिंपल ठीक है, ये भी सुंदर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई सारी इसकी बात, अब हमें क्या करना है, हमें ये सब होने के बाद हमें लॉगआउट का भी ऑप्शन देखना है। तो लॉगआउट के लिए हमने कुछ लिखा है क्या यहाँ पे, देखते हैं। अच्छा लॉगिन है, लॉगआउट लॉगआउट लॉगआउट, हाँ ये वाला लॉगआउट के लिए हमने लिखा है, लेकिन href दिया नहीं है, हालांकि यहाँ पे आएगा href और इसके अंदर देते हैं हम इस तरीके से लॉग आउट, सिंपल ठीक है, यही सब जगह पे चलेगा। तो इसको मैं हालांकि कॉपी कर लेता हूँ, पूरा नहीं करता, सिर्फ इतना ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, लॉगिन में जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में जरूरत है, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट इस तरीके से मैंने किया, प्रोडक्ट में भी और रजिस्टर रिसिप्ट में भी जरूरत है, एंड यहाँ पे पेस्ट, सिंपल ठीक है। अब इसका एक गेट बना लेते हैं, कहाँ पे गया ये, इस तरीके से ठीक है, इसे मैं बाहर लिखता हूँ आर डॉट गेट, और इसके अंदर हम दे देते हैं लॉगआउट, सिंपल ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको लॉगआउट ऐसे दे दिया हुआ है, हालांकि स्पेलिंग कर दे क्या, लॉग ओ यू टी, ओके लॉगआउट, और इसको करता हूँ कॉमा और कंट्रोलर में जाके इसको लिखते हैं कंट्रोलर डॉट लॉगआउट, सिंपल लॉगआउट के देते हैं यूजर। चलो अब इसका एक बना ही लेते हैं हम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में नहीं, हम बनाते हैं इसको यूजर में, ओके यहाँ पे आते हैं फंक लॉगआउट सिंपली, और इसके अंदर हम क्या करते हैं cgin डॉट कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, और इसके अंदर सेशन जो है वो ले लेते हैं और उसको सेशन को क्लियर करके सेव करते हैं, इसको करता हूँ सेशन वेरिएबल, और आपको तो पता ही है कैसे लिखते हैं सेशंस डॉट डिफॉल्ट और सी, सिंपल, और यहाँ पे लेंगे सेशन डॉट क्लियर, सिंपल एंड सेव, सेशन डॉट सेव, दैट्स ऑल। इतना करके हम क्या करेंगे, इसको रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, तो सी डॉट रिडायरेक्ट कहाँ पे, लॉगिन पेज पे, http डॉट स्टेटस फाउंड, स्टेटस स्टेटस फाउंड एंड सिंपली रिडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज, इसे इस तरीके से लिखते हैं लॉगिन, ठीक है। देखिए ये लॉगिन लिखा है तो इसका मतलब ये चला जाएगा कहाँ पे, लॉगिन के पेज पे, सच में जा रहा है क्या, कहाँ पे गया हमारा राउट्स वाला, ये हाँ इसमें चला जाएगा लॉगिन पेज पे, गेट पे, ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस चल जाएगी। ओके मैं करता हूँ इसे क्लोज एंड रन करके हम चेक करते हैं, क्लोज किया मैंने और सिंपली आते हैं यहाँ पे, बैक बटन मैंने दबाया, रिफ्रेश किया, ऐड टू कार्ड एक बार हो गया, ठीक है मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ऐड टू कार्ड दोबारा हो गया, मैं अगेन वापस जा रहा हूँ, अगेन ऐड टू कार्ड 20 हो गया। देखिए अभी ये चलने लगा है, दो क्वांटिटी आया 20 हो गया, ठीक है ना, और ऊपर यहाँ पे थाउजेंड्स है, अगर मैं इसको प्लेस ऑर्डर करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए 1020 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 10 आ गई जिसकी प्राइस थी, और वो क्वांटिटी के साथ इंटू होके हमें दिख रहा है। तो ये था, हम अब लॉगआउट का भी देख लेते हैं, इसमें लॉगआउट पर क्लिक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आता हूँ कोड में, ये तो सही लिखा हुआ है, रिसिप्ट में आते हैं, ओके यहाँ पे डिसेबल लिखा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा था, इसको मैं करता हूँ क्लोज और सिंपली इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम, ठीक है डन। आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश कर लेता हूँ, हालांकि ये रिफ्रेश हो चुका है, इसको करता हूँ मैं लॉगआउट, देखिए ये लॉगआउट हो गया। ये था हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, मतलब फाइनल वीडियो प्रोजेक्ट का, हमारा प्रोजेक्ट आज खत्म हो चुका है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ क्वेरी है या कुछ डाउट है
आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।